हाय दोस्तों, मैं हूं राहुल गुप्ता फ्रॉम स्टार्ट्स विद वाई। और आज हम बात करने वाले हैं अपने बहुत ही अच्छे ट्रेडिशन पैर छूने की परंपरा के बारे में। करें, आखिर ये पैर छूने की परंपरा क्यों बनी, कैसे बनी, इसका बेसिक लॉजिक क्या था, इसके पीछे जो लॉजिक है उसका क्या क्या मतलब है, जानेंगे इस वीडियो में। तो बने रहिए मेरे साथ अंत तक, ओके। तो इसको जानने के लिए हमको क्या समझना पड़ेगा कि आखिर हमारे समाज में जो हमारे समाज में एक वैल्यू सिस्टम होता है। हमने पुराने वीडियो में देखा कि हम हर समाज में कुछ ना कुछ वैल्यू सिस्टम होता है। हर समाज चाहता है कि कुछ वैल्यू सिस्टम बना रहे जिससे कि हम शांति से एक दूसरे के साथ रह सकें। अब उस वैल्यू सिस्टम को दिखाने के लिए क्या होता है कि हम नॉर्म बनाते हैं, ओके। नॉर्म बनाते हैं, जैसे कि सम्मान करना एक वैल्यू सिस्टम है, पैर छूकर सम्मान करना एक उसका नॉर्म है। सम्मान कई तरीके से हो सकता है, पैर को छूना एक उसका नॉर्म है, उसका तरीका है, ओके। तो आज हम जानेंगे कि ये पैर छूना कैसे बना, ओके, इसके बारे में पूरा डिटेल। तो अगर हम बात करें कि आखिर ये ट्रेडिशन बनता कैसे है, ओके, तो इसके पीछे एक पूरी स्टोरी है, अपन उस स्टोरी को जानेंगे और पूरा अपन को पिक्चर क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि जैसे अपनी जो सोसाइटी है उसमें, ओके, उसमें कोई किसी का सम्मान करना चाहता है, तो सम्मान करने के लिए क्या होता है, बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, लेकिन कुछ इनोवेटिव लोग होते हैं, ओके, वो लोग क्या करते हैं कि अलग अलग तरीके निकालते हैं कि भाई ऐसे सम्मान कर लो, ऐसे सम्मान कर लो। तो उस चीज को हम बोलते हैं व्यक्तिगत प्रयोग, ओके। अब मान के चलो कि एक सोसाइटी थी, उस सोसाइटी में मतलब किसी का सम्मान करना था, तो दो चार लोगों ने बोला कि भाई मैं पैर छूंगा, किसी ने बोला मैं हाथ जोड़ूंगा, किसी ने बोला कि मैं मुंह से कुछ वर्ड बोलूंगा, किसी ने बोला मैं पिटाई कर दूंगा। करेक्ट। तो अलग अलग तरीके लोगों ने अपनाए, तो इसको हम बोलते हैं व्यक्तिगत प्रयोग, ओके। वो इंडिविजुअल लेवल पे हमने उसका प्रयोग किया। अब सेकंड स्टेज आती है कि जब इस टाइप के बहुत सारे प्रयोग होती हैं, फिर क्या होता है कि अब उसने एक दिन प्रयोग किया, ओके, अब दूसरे दिन भी उसने सेम प्रयोग किया। अब मान के चलो कोई एक बच्चा है, उसको एक दिन मन किया कि मैं अपने माँ बाप का बहुत सम्मान करना चाहता हूँ, तो वो क्या हुआ, पैर में जाके उनके लोटपोट हो गया, ओके, लोटपोट होने लगा। तो पहले तो उनके पिताजी डर गए कि अरे अरे क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो। फिर बोला कि नहीं 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 मैं आपका सम्मान करना चाहता हूँ, तो ये मेरा तरीका है करने का। अब दूसरे दिन उसने फिर वैसे ही किया। करे तो इस बार पिताजी डरे नहीं, क्योंकि उसको पता है कि ये कर रहा है। अब धीरे धीरे क्या हुआ, वो 8 10 15 दिन में वो एक आदत बन गई उस घर में, करे कि अगर ये इस टाइप से कर रहा है तो इसका मतलब है ये सम्मान करना चाह रहा है। जैसे घर पे कुत्ते होते हैं ना, बहुत सारे कुत्ते क्या करते हैं, अपनी पूंछ हिलाते हैं, तो पहली बार पूंछ हिलाएगा तो समझ में नहीं आया, अब कुछ समय बार बार पूंछ हिलाए तो समझ में आ गया कि अरे ये मतलब थोड़ा सा खुश हो रहा है या फिर कुछ मांग रहा है। करे तो इस टाइप से अब जब व्यक्तिगत आदत बन जाती है किसी की, तो फिर तीसरा क्या होता है कि वो सामूहिक आदत बनने लगती है। करे कि जैसे कि अब इस घर में हुआ, कुछ ऐसे दो चार घरों में और भी होने लगा, कि 10 15 जो कम्युनिटी के लोग थे वहां पर भी उन्होंने बोला कि नहीं भाई ठीक है, पैर छूने से तुम्हारा ये अच्छा है, ठीक है, अगर ऐसे करते हैं तो इसका मतलब हम सम्मान देना चाह रहे हैं। तो धीरे धीरे वो क्या होता है, जो आदत थी वो समूह की आदत बन जाती है, व्यक्तिगत ना होके समूह की आदत बनने लगती है, ओके। अब नेक्स्ट स्टेज में क्या होता है कि वो जो आदत थी सामूहिक आदत, वो धीरे धीरे क्या होता है कि समाज उसको एडॉप्ट करने लगता है, ओके, और अपेक्षा करने लगता है कि अगर तुम वो सम्मान दिखाना चाहते हो, ओके, तो तुमको इस टाइप का बिहेवियर करना पड़ेगा। उसी को हम बोलते हैं प्रतिमान या नॉर्म, ओके। तो जब कोई भी प्रथा, कोई भी आदत, ओके, प्रतिमान बन जाता है, तो उस समय सोसाइटी क्या करती है, उसकी अपेक्षा करती है, तुमको डांटेगी नहीं, मारेगी नहीं, करेक्ट, कि ऐसा करो, अपेक्षा करेगी कि अगर तुम ये करना चाहते हो तो ये टाइप का बिहेवियर होना चाहिए, ओके। तो इस केस में हम बोलते हैं कि प्रतिमान बन गया। तो अब पैर छूने का क्या हुआ कि जब सामूहिक आदत होने लगी, तो धीरे धीरे क्या हो गया, ये कुछ जैसे उस कम्युनिटी ने एक्सेप्ट कर लिया और एक अपेक्षा करने लगा कि जब भी किसी का सम्मान करेंगे हम पैर छू लेंगे, ओके। तो ये एक अपेक्षा करने लगा। इसमें अब इसका नेक्स्ट स्टेज आता है थोड़ा परंपरा, ओके। जब ये बहुत ज्यादा लेवल पे स्वीकृति मिल जाती है इस प्रतिमान को, ओके, कि जैसे वाइड लेवल पे स्वीकृति मिल गई है, स्टेट लेवल पे मिल गई, कोई एक सिटी लेवल पे मिल गई, करे जब, तो वो एक बन जाती है प्रथा या परंपरा। अब यहां पर क्या है कि यहां पर अपेक्षा नहीं है, यहां अगर तुमने वो बिहेवियर नहीं दिखाया तो पिटपिटा जाओगे बिल्कुल, ओके। तो यहां पर पिटने की हालत तक आ जाता है कि अगर
तुमने उस टाइप का काम नहीं किया तो कोई पीट देगा, कोई कुछ कर देगा। तो ये हो गया तुम्हारा फिफ्थ स्टेज। इसके बाद नेक्स्ट स्टेज आता है लोक रूढ़ी। लोक रूढ़ी का क्या मतलब होता है कि ये बेसिकली एक कट्टरपंथी, मतलब एक उसी तरीके से तुमको काम करना है। ओके, कोई एक चीज है उसको उसी तरीके से फॉलो कर, ये उसका एक और नेक्स्ट वर्जन है। जब कोई भी प्रथा या परंपरा बहुत अच्छे लेवल पर एक्सेप्टेड है, ओके, और उसके काफी मात्रा में, काफी लोगों में उसके बारे में एक्सेप्टेंस हो गया है, तो वो एक लोक रूढ़ी बन जाती है, मतलब उसका पूरा ट्रेडिशन बन जाता है उस कम्युनिटी का। ओके, इसके बाद क्या होता है नेक्स्ट, वी कॉल ए संस्था, संस्था। ओके, अगर इस लोक रूढ़ी के सारे रूल, ओके, पहली बात तो इसका वाइड एक्सेप्टेंस हो जाए, सब लोग इसको एक्सेप्ट करने लगे, वाइड एक्सेप्टेंस, और इसके रूल भी पूरे तरीके से डॉक्यूमेंटेड हो जाए और डिफाइन हो जाए कि ये काम तुमको करना है, तो इसके ये पूरे डॉक्यूमेंटेड रूल है। ये दो अगर चीजें हो गई कि रूल उसके डिफाइन है किसी भी चीज के और वाइड एक्सेप्टेंस भी है, तो उसको हम बोलते हैं संस्था। जैसे विवाह एक संस्था है। अब कई बार जब मैंने पहली बार ये वर्ड सुना कि विवाह संस्था कैसे हो सकता है, संस्था तो स्कूल कॉलेज इस टाइप के होता है। तो संस्था का मतलब यहाँ पर केवल एजुकेशन से नहीं है, संस्था का मतलब है कि उसका वाइड एक्सेप्टेंस है और उसके प्रॉपरली रूल डिफाइंड है कि वो चीज कैसे होनी चाहिए। ओके, इसको हम बोलते हैं कि वो संस्था हो गया है। अब ये संस्था बेसिकली काफी कट्टर लेवल पर होता है कि विवाह इसी तरीके से होगा और उसको कोई भी वेरिएशन नहीं है, एक ही प्रॉपरली डिफाइंड रूल है और सब लोग उसको मानते हैं। अब इसका एक और नेक्स्ट लेवल जाता है जब बहुत सारी संस्थाएं, ओके, बहुत सारे, जब ये संस्था बेसिकली काफी अच्छे लेवल पर पहुंच जाती है, तो इसी को हम कानून बना देते हैं। ओके, जैसे कि हिंदू मैरिज एक्ट, वो क्या था, वो पहले एक संस्था था। ओके, अब उसी को धीरे धीरे क्या हो गया, हिंदू मैरिज एक्ट में 1955 में उसको लेके आ गए। ओके, मुस्लिम पर्सनल लॉ क्या है, वो भी पहले एक संस्था था, उसको क्या लेके आए, एक कानून में लेके आए। तो जनरली ये देखा गया है कि जो संस्था होती हैं, ओके, या फिर लोक रूढ़ियां भी कई बार वो कानून में तब्दील हो जाती हैं समय के साथ। तो ये एक तरीका है कि हमारे समाज में कि जो पैर छूने की जो परंपरा थी, ओके, वो आखिर कैसे बनी। तो सबसे पहले कुछ व्यक्तिगत प्रयोग हुए, फिर व्यक्तियों की आदत बनी कुछ लोगों की, ओके, उसमें से फिर क्या हो गया, एक सामूहिक आदत बनने लगी और फिर एक वाइड एक्सेप्टेंस हो गया कि इस काम को करना है तो ऐसे ऐसे करेंगे। ओके, तो उसके लिए प्रतिमान बन गया, ये एक प्रतिमान बन गया। धीरे 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 ये प्रतिमान है बेसिकली, ये कोई परंपरा नहीं है कि ये ही एक तरीका है। तो पैर छूना क्या है, एक नॉर्म है। ओके, ये परंपरा नहीं बनी है, ये कोई लोक रूढ़ी नहीं है, संस्था नहीं है, कानून नहीं है, ये एक किसी भी चीज को, करे कोई भी एक जो ट्रेडिशन होता है वो कैसे अपना रूप लेता है, ये पूरी उसकी स्टोरी है। होप इस वीडियो के थ्रू तुमको ये पूरी स्टोरी समझ में आ गई होगी कि आखिर कैसे हम एक इनोवेशन से लेके कानून तक पूरा तय करते हैं। ठीक, धन्यवाद, बने रहिए मेरे साथ इस चैनल में और जानते रहिए अच्छी अच्छी बातें, शेयर कीजिए इन वीडियो को लोगों के साथ जिससे कि ये इंफॉर्मेशन काफी लोगों तक पहुंच सके। धन्यवाद।